मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपनी सेकंड यूनिट शुरू की थी। आज जैसे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में किया था, आज हम उससे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो करेंगे। सेकंड यूनिट चल रही है ये, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट का करेंगे, और कुछ डेफिनेशंस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम करेंगे कि फोर्स क्या होता है और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले आता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं कि वो प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि क्या होता है कि प्रोडक्ट होते हैं किस किस का, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मान लेते हैं उनके बीच का एंगल थीटा है और उसका कोसाइन ले हम, ठीक है। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे इसको कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या हम क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। वो क्या होता है, ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। जो थीटा है वो एंगल है किस किस के बीच में, थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, कि दो वेक्टर है ए एंड बी, इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और जो एंगल है उसका क्या लेंगे, कोसाइन लेंगे, इन सब का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट, या इसे हम क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, दो दो नंबर में भी आ जाता है या इकट्ठा भी दोनों को डाल दिया जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करो, उनके ये फॉर्मूलाज बताओ, चार नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट किया इसी तरह से अब इसमें हम क्या कहेंगे कि ये प्रोडक्ट होता है किस किस का, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन सेम इसी की तरह लिखेंगे। अब यहां पर सिर्फ क्या कर देना है हमें कि ये प्रोडक्ट होगा किस किस का, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, कि उनके बीच का जो एंगल आ रहा है उसका क्या ले लिया हमने, साइन ले लिया, तो वो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ए और बी क्या हो गया, इनके मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, साइन थीटा, जो थीटा का कोसाइन लेंगे अगर तो वो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट, अगर साइन लेंगे तो वो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं इसको, और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ए और बी ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए और बी, और थीटा है वो एंगल है किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, समझ में आया यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं हमारी, फर्स्ट यूनिट में भी किया था हमने उनको, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
अब पेपर के अंदर जैसे पांच चार डेफिनेशन इकट्ठी दे दी आप लोगों को, चार नंबर का क्वेश्चन बना दिया वहां से, जैसे पांच चार डेफिनेशन इकट्ठी दे के कि इसको एक्सप्लेन करो प्लस इनकी एसआई यूनिट्स वगैरह बताइए, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन आती है इसके अंदर, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे सबसे पहले आता है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस तो पहले भी बताया था मैंने, पता भी होगा क्या होती है डिस्टेंस, पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखोगे कि इनका कंबाइन करके आता है क्वेश्चन। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी पाथ है उसकी लेंथ की अगर बात करें तो वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस में भी डिफाइंड एज लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच का जो पाथ होगा उसकी जो कंप्लीट लेंथ होगी उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट इज मीटर एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, ठीक है। अब ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ है, ठीक है। जैसे एक तो ये हो गया, एक इस तरह से है, ये बहुत सारे रास्ते हैं यहां से यहां तक जाने के लिए, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी कि ए से बी के बी तक जाने के लिए जो भी पाथ होगा उसकी लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। इसका मतलब जितने भी पाथ है वो सारी क्या है, डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी कि ए और बी के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, मीटर, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीड। अब देखिए स्पीड क्या होगी, इट मे बी डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है हमारी, स्पीड। कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा में, ठीक है। अब यूनिट पूछी जाए अगर इसकी, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीजें कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ये क्वांटिटी स्केलर है, वेक्टर है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब सेम इसकी यूनिट अगर देखें हम एसआई यूनिट, तो क्या होगी, वही मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी, ठीक है। और वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है पेपर में इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है प्लस इनकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है। एक्सीलेशन जिसको आप लोग त्वरण बोलते हैं, एक्सीलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड
एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या होता है कि कितना चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज देखेंगे टाइम के साथ, कि टाइम अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या होता है आपका एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, इसकी यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगी एक्सीलरेशन की, वेलोसिटी क्या आएगी जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये डेफिनेशंस है, पेपर के अंदर आता है यहां से क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछी जाती है, प्लस इनकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है, तो इन सबको आप ढंग से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स के बारे में। फोर्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग करते हैं साइंस की तो फोर्स वाला टॉपिक है वो आता ही आता है, आप सबको ही पता होगा फोर्स के बारे में। ज्यादा बर्डन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा गौर करोगे ना हो जाएगा। जैसे फोर्स आप लोगों को सबको ही पता है, ये तो डेली लाइफ में हर जगह काम आती है ये चीजें हमारी। ठीक है, देखो फोर्स क्या होता है कि पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो धक्का या दबाव जो क्या कर देता है किसी भी बॉडी की या तो साइज चेंज कर देता है या शेप चेंज कर देता है या उसकी पोजीशन चेंज कर देता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज पुश एंड पुल या पुश और पुल। ठीक है, अप्लाई ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑन ए बॉडी टू चेंज और ट्राइज टू चेंज क्या क्या शेप साइज एंड पोजिशन। ठीक है, कि किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है किसके लिए, उसके शेप साइज या उसकी पोजिशन को या तो चेंज कर देते हैं या ट्राई किया जाता है चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे अब हमने ये किया तो क्या किया मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, कि इसके जो धक्का या दबाव दिया हमने, ठीक है, अब जैसे इसको अगर बंद भी करना है तो फोर्स लगा रहे हैं ना, प्रेस कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो उसकी शेप को साइज को या उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो पुश और पुल लगाया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं फोर्स बोल देते हैं। ऐसा यूनिट होती है जो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, इसको हम कैसे लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार इसकी सीजीएस यूनिट भी पूछ ली जाती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है डाइन, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये फोर्स हो गया, ये जो छोटे छोटे डेफिनेशंस थी ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कौन सा टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्व करना किसी भी क्वांटिटी को। रिजोल्व करना मींस ब्रेक करना उसको, तोड़ना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होगा कि ये फिनोमिना है किसका, टू ब्रेक अ फोर्स इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड करना फोर्स को, वो फिनोमिना क्या कहलाता है हमारा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्या है, फिनोमिनन ऑफ, इट इज ए फिनोमिनन ऑफ ब्रेकिंग ए फोर्स इनटू टू और
मोर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स को ब्रेक करना इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि तोड़ना फोर्स को अलग अलग पार्ट्स में। अब पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट है ये, 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। ठीक है, कि फोर्स क्या होता है या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को डिफाइन कीजिए। ठीक है, अभी इसको प्रूव करते हैं कि कैसे फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर कर भी सकते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या आएंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो एक्सिस ले लिए हमने, पता होगा ना आप लोगों को कि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दो एक्सिस लिए हमने, एक तो एक्स एक्सिस लिया, दूसरा लिया वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक फोर्स कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड भी है जिसका, डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो मान लिया वो फोर्स लग रहा है अलोंग द लाइन दिस, ये लाइन हमने मान ली क्या है ओपी, यहां कौन सा फोर्स है एफ फोर्स लगाया। ठीक है, अब क्या किया कि जो ये पॉइंट पी है इससे जो एक्सिस है हमारे पास इन पर हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मान लिया पॉइंट बी आया, ये पॉइंट है सी। ठीक है, ये एक्सिस हमने एक्स एक्सिस के साथ मान लिया एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल। अब क्या माना हमने कि जो फोर्स है मान लिया दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, एक मान लिया एफ एक्स है, एक मान लिया एफ वाई। कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको हमने मान लिया क्या है एफ एक्स है, और वाई एक्सिस के जो अलोंग है उसको मान लिया क्या है एफ वाई। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी और एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो क्योंकि परपेंडिकुलर डाला था हमने तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये एक क्या ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, एक थीटा आ गया यहाँ पर, एक एंगल क्या है 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे एफ एक्स की और एफ वाई की वैल्यूज निकालने है हमें। एक चीज देखना पहले कि क्या है कि क्योंकि राइट एंगल है ना, यहाँ भी 90 डिग्री का बना रहे ना, यहाँ भी 90 डिग्री का, इसका मतलब क्या है जो ओ सी आया हमारे पास वही क्या है, क्योंकि पैरेलल लाइंस जा रही है ना ये दोनों, तो एफ वाई जो ये वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू आएगी। मीन्स जो ओ सी है हमारे पास क्या है एफ वाई, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, पी बी की इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, इसी तरह से जो ओ बी है वो कितनी है एफ एक्स, वो किसके इक्विवेलेंट हो सकती है बी सी की। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ओ पी बी। अब देखो थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले आप लोगों ने किया होगा क्या कि अगर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह से, इसकी तीन साइड्स होती हैं, कौन कौन सी, जैसे ये एंगल बना हुआ है तो ये जो होगी हमारी या कौन सा होता है बेस होता है ना। ठीक है, और ये कौन सा होगा परपेंडिकुलर होता है, जिसको आप लोग जैसे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये करण हो गया, हिंदी मीडियम से अगर आप लोगों ने कर रखा है तो, अगर इंग्लिश मीडियम से कोई बच्चा तो वहां क्या आता है ये क्या चीज होती है बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां से हम अपने एंगल्स की वैल्यू निकालते थे अगर याद हो तो, कि साइन की वैल्यू निकालते हैं, कोस की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं कि एक फॉर्मूला आता था लाल बटे कक्का इस तरह से। ठीक है, तो यहां से क्या करते थे, देखो लंब बटे करण क्या होता है साइन थीटा, आधार बटे करण क्या होता है कोस थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी कि याद रख सकते हो आप लोग कि ये ट्रायंगल की हेल्प से साइन कोस अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए हमें निकालनी है एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू, तो इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा लंब बटे करण। ठीक है, लंब क्या है यहाँ पर पी बी, परपेंडिकुलर क्या है पी बी डिवाइड बाय ओ पी। ठीक है, अब पी बी की वैल्यू कितनी है एफ वाई डिवाइड बाय
ओपी की वैल्यू कितनी है एफ, हमारे पास ये क्या आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाय एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ये मान लिया वन है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है एफ वाई की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से एफ एक्स की निकाल लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे जैसे कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस थीटा क्या आएगा ओपी डिवाइड ओ बी डिवाइड बाय ओ पी, तो ओ बी कितना है एफ एक्स डिवाइड बाय एफ, सेम प्रोसीजर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स बाय में एफ, मान लिया यहां पर बन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, ठीक है ये कंपोनेंट्स की वैल्यूज निकल गई एफ एक्स की और एफ वाई की। इसका मतलब क्या है एफ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से एफ वाई एफ एक्स और एफ वाई, एक तो कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आई एफ कॉस थीटा, दूसरा क्या आया एफ साइन थीटा। ये वैल्यूज है डायरेक्ट भी यूज की जाती है, आगे कुछ एक्सप्रेशन आएंगे वहां पर इनकी वैल्यूज को हम डायरेक्ट पुट करेंगे वहां पर, तो ये एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है वहां पर मैं डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करूंगी, तो इसलिए आप लोगों को क्या है कि इसको पहले ढंग से कर लेना, पेपर में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है सुनने आया आप सभी को। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है कि किसी भी फोर्स को, फिनोमिना है किस चीज का, फोर्स को डिवाइड करना टू या मोर कंपोनेंट्स में, ठीक है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोल देते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अपना करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है तब तक के लिए जो सेकंड यूनिट के जितने भी टॉपिक करवाए हैं मैंने वो आप ढंग से देख लेना, ठीक है ओके थैंक यू।